तो गाइस आज के वीडियो में सीखेंगे हम सैलरी शीट एक्सेल में कैसे बनाएं। तो इसके लिए गाइस देखिए, गाइस मैंने पहले से ही पूरा एक्सेल शीट तैयार कर रखा है और गाइस हमें कहीं कहीं फॉर्मूले को यूज़ करना है और गाइस हम ऐसे ही टाइप कर सकते हैं इस तरह से। तो देखिए गाइस पूरा शीट तैयार है मेरे पास। तो देखिए गाइस ये वर्किंग डे है, वो ओवर टाइम है, हाउस रेंट है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, ग्रोस सैलरी है, ESI है, PF है और गाइस नेट सैलरी हमें निकालना है। तो देखिए गाइस एम्प्लॉय का नेम है और बेसिक सैलरी है और वर्किंग डे है। अब गाइस हमें वर्किंग डे निकालना है, इसके लिए इक्वल करेंगे, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, गुना करेंगे, वर्किंग डे को सिलेक्ट करेंगे जितने दिन हमने काम किया है और डिवाइड लगाएंगे और 30 टाइप कर देंगे क्योंकि गाइस मंथली 30 हम कर रहे हैं इसलिए। और देखिए गाइस वर्किंग डे अमाउंट आ चुका है। अब गाइस हम ये देखिए गाइस ओवर टाइम डे है मेरे पास। अब गाइस हमें ओवर टाइम अमाउंट निकालना है। तो गाइस इक्वल करेंगे और बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, गुना करेंगे, ओवर टाइम डे सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे और 30 डालेंगे। देखिएगा सेम प्रोसेस था ये। अब गाइस हाउस रेंट निकालेंगे। तो देखिए गाइस इसके लिए इक्वल करेंगे, इफ फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे और बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन लगाएंगे गाइस, इक्वल करेंगे। गाइस 14,000 से ज़्यादा जिसका सैलरी है उसी को हाउस रेंट मिलेगा, तो इसलिए गाइस 14,000 हमने डाला है और कोमा लगाया है और 1,000 रेंट दे रहे हैं। और गाइस दोबारा कोमा लगाएंगे और गाइस जिसका 14,000 से कम है उसको 0 लगाएंगे, उसको कोई रेंट नहीं मिलने वाला, इसलिए ब्रैकेट करके एंटर कर देंगे। और देन गाइस अब मेडिकल एक्सपेंसेस निकालेंगे। गाइस ये भी सेम प्रोसेस है, इक्वल करेंगे, इफ टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और बेसिक सैलरी सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन लगाएंगे, इक्वल करेंगे, इसी गाइस 14,000 टाइप करेंगे, कोमा लगाएंगे और गाइस 500 दे रहे हैं हम इसलिए 500 डाल दिया हमने, कोमा लगाया और 0 लगा दिया और ब्रैकेट लगा के एंटर कर देंगे। देखिए गाइस 500 आ चुका है। अब गाइस ग्रोस सैलरी निकालना है हमें, तो इसके लिए गाइस इक्वल करेंगे, वर्किंग डे अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे, ओवर टाइम अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे, हाउस रेंट सेलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस सेलेक्ट करेंगे और गाइस एंटर कर देंगे। देखिए गाइस हो चुका है। अब गाइस ESI निकालना है हमें 1%, तो इसके लिए गाइस इक्वल करेंगे, वर्किंग डे अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, गुना करेंगे, 1% टाइप करेंगे और गाइस एंटर कर देंगे। देखिए गाइस हो चुका है। अब गाइस हमें PF निकालना है 11%, तो इसके लिए गाइस इक्वल करेंगे, वर्किंग डे अमाउंट सिलेक्ट करेंगे, गुना करेंगे, 11% करके एंटर कर देंगे। और देखिए गाइस ये भी आ चुका है। अब गाइस देखिए एडवांस जिन्होंने लिया है पहले से मैंने टाइप कर दिया है। अब गाइस नेट सैलरी निकालना है, तो इसके लिए गाइस इक्वल करेंगे, ग्रोस सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि गाइस जितना कटेगा वो हमें डालना है। तो देखिए गाइस ESI मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब गाइस मैंने माइनस लगा दिया और देखिए गाइस PF भी सिलेक्ट कर लिया है मैंने और दोबारा माइनस किया है। अब गाइस एडवांस भी सिलेक्ट कर लिया। अब एंटर कर देंगे इस तरह से। देखिए गाइस सभी हो चुके हैं। अब गाइस हम वर्किंग डे को सही कर लेंगे और ड्रैग कर लेंगे इस तरह से और इसके बाद गाइस अब इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और देन गाइस ड्रैग कर देंगे गाइस इस तरह से। अब गाइस यहाँ से हम इसे सही कर सकते हैं और सही करने के बाद गाइस अब नेट सैलरी को भी ड्रैग कर देंगे इस तरह से। देखिए गाइस कितना आसान और इजी था ये, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।